अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। हमने अब टॉपिक स्टार्ट करना है जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशरी के मसले क्या है हमारे मुल्क में, ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, ये सो मोटो एक्शन क्या होता है। हमारी जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव के कामों में टांग अड़ाती है, हमारी जुडिशरी लेजिस्लेचर के कामों में टांग अड़ाती है। आज तक हमारी एग्जेक्टिव और जुडिशरी की आपस में नहीं बन सकी। ये असल रौला है क्या, इनके दरमियान प्रॉब्लम क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म का, ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म रिव्यू क्या है, इंटरनेशनली जुडिशियल एक्टिविज्म रिव्यू क्या है, ये कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान में कैसे एग्जिस्ट करता है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसकी डार्कर साइड क्या है, इसकी ब्राइटर साइड क्या है, और रिफॉर्म्स जो हैं वो कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड, हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है वो हमारे पास जुडिशियल एक्टिविज्म का। लेकिन मसला ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का टॉपिक आपको तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक आप इसके साथ साथ एक और छोटा सा टॉपिक ना समझें, वो है जुडिशियल रिव्यू का। जब तक आपको यह बात समझ नहीं आएगी ना जुडिशियल रिव्यू की, तब तक आपको जुडिशियल एक्टिविज्म समझ नहीं आएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म समझने के लिए आपको जुडिशियल रिव्यू पहले समझना है, और जुडिशियल रिव्यू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले वो समझेंगे हम, फिर हम जुडिशियल एक्टिविज्म पर जाएंगे, फिर मैं आपको हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट समझाऊंगा इन द वर्ल्ड, फिर मैं आपको लेकर आऊंगा पाकिस्तान के अंदर, और फिर पाकिस्तान के अंदर हम दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस जो है हमने पढ़ने हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के बहुत बड़े केसेस हैं। एक मौलवी तमीजुद्दीन खान केस, खासतौर पर आप में से जो लोग पोलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या फिर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखना है तो आप लोग तो ये केसेस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको पहले पता चल जाएगा, उस टाइम आप पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएंगे। तो मौलवी तमीजुद्दीन खान केस पढ़ेंगे, साथ 200 केस पढ़ेंगे, उसके अलावा आसमा जिलानी केस पढ़ेंगे, जिनको हम आसमा जहांगीर भी कहते हैं, आसमा जहांगीर केस क्या था इसको देखेंगे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस है मौलवी तमीजुद्दीन खान केस। इससे बड़ा केस पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं आया, इससे बड़ा फैसला पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं आया, क्योंकि इस फैसले ने जितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, किसी फैसले ने जुडिशियल फैसले जितना नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ लोग कहते हैं कि भुट्टो साहब की फांसी का जो फैसला था वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला, लेकिन मेरा अपना जाती ओपिनियन ये है कि मौलवी तमीजुद्दीन खान केस के अंदर जो फैसला आया था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैसला था, क्योंकि अगर मौलवी तमीजुद्दीन खान केस का वो फैसला ना आता जो फैसला असल में आया था, आपके पास भुट्टो साहब का केस ही एग्जिस्ट ना कर रहा होता। तो भुट्टो साहब का केस ही तब एग्जिस्ट कर रहा था तो जब ये आपके पास मौलवी तमीजुद्दीन खान केस वाला आपके पास जो है वो फैसला आया था। खैर, ये केस था क्या, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जुडिशियल एक्टिविज्म रिव्यू क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, देन वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। अंडरस्टैंड कर लीजिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं, अपनी कॉपी पेंसिल जो आप लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जरा छोड़ दीजिए, पहले जरा समझ लीजिए इस पॉइंट को। जो लिखने वाली चीज होगी वो मैं आपको लिखवा दूंगा, पहले जरा समझ लीजिए जिस कॉन्सेप्ट को हम समझने लगे हैं, और वो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, जिसको हम पहले सादी जुबान में समझेंगे, फिर उसके बाद फिर हम इसकी मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या एग्जिस्ट करता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जुडिशियल रिव्यू। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई चीज नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, और इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करता है, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करता है, उसको सजा भी सबसे बड़ी वाली मिलती है। आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, Whosoever abrogates the constitution or holds the constitution in abeyance is tantamount to high treason. यानी वो high treason करेगा अगर कोई constitution को abrogate करेगा। और 1973 का high treason act ये कहता है कि high treason की सजा या मौत है या आपके पास जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट है।
So according to 1973 High Treason Act, the punishment of high treason is basically capital punishment और आपके पास जो है वो दूसरी आपके पास life imprisonment. Life imprisonment या capital punishment. So whosoever abrogates the constitution will be tantamount to high treason and high treason is punishable by death or life imprisonment. तो बात यह है कि सुप्रीम आपके मुल्क में डेमोक्रेटिक मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता है खेलता है उसके साथ उसको हाई ट्रीजन माना जाता है और हाई ट्रीजन की सजा या मौत है या मौत है कैपिटल पनिशमेंट है या फिर आपके पास जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट है. एक मिनट दीजिएगा, अजान हो जाए उसके बाद कंप्लीट. जुडिशियल रिव्यू पर और उस पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई चीज नहीं होती और कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करता है, उसको सजा भी सबसे ज्यादा बड़ी दी जाती है. यानी अकॉर्डिंग टू हाई ट्रीजन एक्ट 1973, हाई ट्रीजन इज पनिशेबल बाय कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इंप्रिजनमेंट. सो हमने अब ये अंडरस्टैंड कर लिया, गौर से सुनिए इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने लगा हूं आपको मैं. यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आपके पास जो है कोई चीज लॉ कॉन्ट्राडिक्टरी उसके एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके मुल्क के अंदर जो है डेमोक्रेटिक में वो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है. अच्छा, अब गौर से सुनिए इस पॉइंट को. अगर आपके मुल्क का एग्जेक्टिव यानी आपके मुल्क का प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर पास करे, आपके मुल्क का प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर पास करे या आपके मुल्क की पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करे, आपके मुल्क का एग्जेक्टिव कोई ऑर्डर जारी करे या आपके मुल्क की पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करे और इन दोनों में से कोई चीज भी आपके मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल के कॉन्ट्राडिक्टरी हुई, यानी एग्जेक्टिव का ऑर्डर या आपके मुल्क की पार्लियामेंट की पास किया हुआ कोई लॉ अगर आपके मुल्क के ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल के कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ, तो आपके मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर होती है कि वो उस नए पास होने वाले लॉ या नए पास होने वाला जो ऑर्डर है इसको डिसमिस कर सकती है, क्योंकि वो कहती है कि नथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एग्जिस्ट इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. ये जो पावर होती है ना सुप्रीम कोर्ट की कि वो उस नए पास होने वाले लॉ या नए पास होने वाले जो आपके पास ऑर्डर को जो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्टरी है इसको वो डिसमिस कर दे, इस पावर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू. इस पावर को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. यानी आपके मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्टरी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती और अगर एग्जिस्ट करेगी आपके मुल्क के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो उसको डिसमिस कर सकता है. इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर. इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए फिर आपको क्लियर ज्यादा समझ आएगी. लिखिएगा जरा, इफ द पार्लियामेंट ऑफ अ स्टेट और द एग्जेक्टिव ऑफ अ स्टेट, इफ द पार्लियामेंट और द एग्जेक्टिव ऑफ अ स्टेट इशू या पार्लियामेंट ऑफ अ स्टेट और एग्जेक्टिव ऑफ अ स्टेट
pass an act if the parliament or the executive of a state pass an act or an order, pass an act or an order which is contradictory to the fundamental law of the state, which is contradictory to the fundamental law of the state, fundamental law ko constitution bhi kehte hain, which is contradictory to the fundamental law of the state, then the judiciary has the power, then the judiciary has the power to strike down such law or the order, then the judiciary has the power to strike down such law or the order. This power of the Supreme Court, this power of the judiciary is called the judicial review power. This power of the judiciary is called the judicial review power. Clear ho gaya? Here bol raha hu. If the parliament of a state passes an act or the executive passes an order which is contradictory to the fundamental law of the state, yani ke constitution, then the judiciary has the power to strike down such law or the order. This power of judiciary is called judicial review power. Point clear ho gaya? Ye point clear hua ji? Definition clear ho gayi? Anyone? Okay. Aage chalte hain. Ab hum start kar rahe hain history and development. History and development of judicial review. इसको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे judicial activism के ऊपर. Let us understand the history and development of judicial review. दो केस में आपके सामने रखूंगा. पहला केस है डॉक्टर बोनम, BOHNAM, बोनम केस. केस का नाम है डॉक्टर बोनम केस. ईयर है 1610. ये 1610 का केस है. कॉमन कोर्ट ऑफ अपील्स यूके का केस है जी. यानी ये कहां की अदालत है? कॉमन कोर्ट ऑफ अपील्स यूके की. और जज का नाम है जस्टिस कोक. ये आपके पास केस है डॉक्टर बोनम केस, 1610 इसका साल है. कॉमन कोर्ट ऑफ अपील्स यूके का केस है. जस्टिस कोक की अदालत है, यानी जस्टिस कोक इसके जज है. अब केस क्या था, जरा इसको अंडरस्टैंड करें. कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू का क्या था, लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. लंदन में एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस. रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने एक रूल बना लिया कि अगर किसी ने जनाब लंदन में मेडिसिन प्रैक्टिस करनी है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस से. वो प्रायर परमिशन लेंगे रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस से, तभी उनको प्रैक्टिस करने की इजाजत होगी एज अ मेडिकल ऑफिसर, एज अ डॉक्टर, राइट. और अगर वो इजाजत नहीं लेंगे तो हम उनको फाइन करेंगे इजाजत ना लेने की वजह से. क्लियर हो गया? हुआ क्या कि अल्टीमेटली ये जो उन्होंने लॉ बनाया था ना, इसको यूके की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया. यूके की पार्लियामेंट ने कहा कि हाँ भाई जनाब, आपके पास पावर है कि आप किसी भी उस शख्स को फाइन कर सकते हो कि जो कि फॉर एग्जांपल आपसे परमिशन नहीं लेता, और आधा पैसा जो है फाइन का वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जाएगा और आधा पैसा रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस अपने पास रख लेगा. ठीक हो गया जी? तो ये रूल भी बन गया, लॉ भी बन गया, एक्ट भी पास हो गया. डॉक्टर बोनम नाम का एक बंदा था, डॉक्टर था, जिसने
रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से प्रायर परमिशन नहीं ली। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने डॉक्टर बोनम को कॉल किया, उन्होंने कहा जनाब आपने हमारे परमिशन नहीं ली। डॉक्टर बोनम का जी हमें आप मेरे आपसे परमिशन नहीं ली। उन्होंने डॉक्टर बोनम को फाइन कर दिया। डॉक्टर बोनम ने फाइन पे करने से इनकार कर दिया। जब डॉक्टर बोनम ने फाइन पे करने से इनकार किया, उन्होंने पकड़ के डॉक्टर बोनम को जेल में डाल। डॉक्टर बोनम वॉज सेंट टू जेल बिकॉज ऑफ नॉट जो है वो प्रोवाइडिंग द फाइन। जब वो जेल में चले गए तो डॉक्टर बोनम ने जेल से एक केस फाइल किया कॉमन कोर्ट ऑफ अपील्स यूके में, जिनके जज थे जस्टिस कुक। अब रॉय अपना डॉक्टर बोनम ने केस क्या फाइल किया इसको गौर से सुनिए। डॉक्टर बोनम कहते हैं कि जज साहब ये एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, इंटरनेशनल प्रिंसिपल है कि समवन कैन नॉट बी अ जज इन इट्स केस, इन इट्स ओन केस। समवन कैन नॉट बी अ जज इन इट्स ओन केस। अब अपने केस में जज नहीं हो सकते, क्लियर। तो भाई रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के पास मुझे फाइन करने की पावर तो है, लेकिन अगर मैं फाइन पे ना करूं तो मुझे जेल में डालने का अख्तियार उनके पास नहीं है। मुझे जेल में डालने का अख्तियार सिर्फ जज के पास है या जुडिशरी के पास। तो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने मुझे फाइन ना पे करने की वजह से मुझे जेल में डाल दिया, मतलब दे हैव बीन द जज इन देयर ओन केस, खुद ही अपने केस में जज बन गए। यूके का लॉ भी यही कहता है कि यू कैन नॉट बी अ जज इन योर ओन केस, और ये अपने केस में जज बन गए। इसीलिए इन्होंने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को भी एब्रोगेट किया और इन्होंने लॉज भी तोड़े। तो लो जी, डॉक्टर बोनम ने ये केस फाइल किया। जस्टिस कोक ने कहा कि जनाब बात आपको बिल्कुल ठीक है। जस्टिस कोक ने डॉक्टर बोनम को वहां से रिहा कर दिया। उन्होंने कहा कि जी बात इसकी ठीक है, और डॉक्टर बोनम को वहां से रिहा कर दिया। जब रिहा उन्होंने किया, उसके ऊपर उन्होंने जजमेंट दी। जजमेंट की दो लाइनें लिख लीजिए अंडरस्टैंड करने के लिए। देखें जी, डॉक्टर बोनम कहते हैं, जस्टिस कोक कहते हैं डॉक्टर बोनम केस में फैसले में दो लाइनें लिखिए, क्योंकि वो कहते हैं इफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज अगेंस्ट कॉमन राइट एंड रीजन। वो कहते हैं कि इफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, व्हेन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी इफ नहीं, व्हेन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज अगेंस्ट कॉमन राइट एंड रीजन, व्हेन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज अगेंस्ट कॉमन राइट एंड रीजन और रिपुगनेंट, R-E-P-U-G-N-A-N-T, repugnant, repugnant कहते हैं unacceptable चीज को। When an act of parliament is against common right and reason or repugnant, comma, or impossible to be performed, or impossible to be performed, the common law will control it. Common law, UK के law को common law कहते थे। The common law will control it and adjudge, A-D-J-U-D-G-E, adjudge such act to be void, adjudge such act to be void, V-O-I-D, void. दोबारा सुन लीजिए। Justice Coke कहते हैं decision में कि when an act of parliament is against common right and reason or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it and adjudge such act to be void. ये फैसला दिया जो है वो जस्टिस कोक ने डॉक्टर बोनम केस में। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ था कि किसी अदालत ने अपना जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था। दैट इज वाई जस्टिस कोक इज कॉल्ड फादर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जस्टिस कोक को फादर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, क्योंकि पहली दफा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में इन्होंने ये इस्तेमाल किया था जो है रिव्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इनके फैसले को देखिए क्या कहते हैं, व्हेन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज अगेंस्ट कॉमन राइट एंड रीजन, ये कॉमन राइट एंड रीजन के खिलाफ है कि आप अपने केस में जज बन जाओ, और रिपुगनेंट अनएक्सेप्टेबल भी, और इंपॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड, ये आप परफॉर्म भी नहीं कर सकते। The common law will control it, यानी यूके का लॉज को कंट्रोल करेगा, and adjudge such act to be void, or is act को हम void कर देंगे, dismiss कर देंगे, यानी judicial review लेकर हम उसको dismiss कर देंगे। Clear हो गया जी? ये हमारे पास केस आ गया, पहला केस जिसमें से concept start हुआ judicial review का। ये केस clear हुआ जी? Is this case clear? आगे चलें दूसरे केस पर।
बड़ा मशहूर केस है, आप लोगों में से शायद किसी ने ऑलरेडी सुना भी हो, और अगर आपने यूएस हिस्ट्री पढ़ी हुई होगी तो आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ी हुई होगी तो आपने ये पढ़ना ही है। उसे कहते हैं मरबरी वर्सेस मेडिसन केस, मरबरी वर्सेस मेडिसन। जनाब साल है 1803, अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए की अदालत है जी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए है जी। इसके अंदर चीफ जस्टिस हैं जॉन मार्शल, जिनकी अदालत चीफ जस्टिस जॉन मार्शल, 1803 सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जॉन मार्शल the longest serving chief justice in the history of United States of America, USA ki history ke longest serving chief justice John Marshall, 32 years chief justice rahe, 1801 mein chief justice bane, aur jab inki death hui 1833 mein to us waqt bhi wo chief justice of Supreme Court of United States of America hi the, longest serving chief justice of United States of America। Ek bada mashhoor inki quotation hai जो बड़े लोग इस्तेमाल भी करते हैं, आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी कोटेशन है, लेट द जस्टिस बी डन इवन इफ द हेवंस फॉल, लेट द जस्टिस बी डन इवन इफ द हेवंस फॉल। हमने इसको उर्दू में तर्जमा करके चला दिया कि आसमान भी टूट पड़े तो आपने जो है वो इंसाफ करना है, वो आसमान भी टूट पड़े तो इंसाफ करना है कि बेसिकली जॉन मार्शल ने कहा था लेट द जस्टिस बी डन इवन इफ द हेवंस फॉल, तो हमने उसको उर्दू तर्जमा की और जनाब चला दिया, ठीक है जी। तो जॉन मार्शल 1801 से लेकर 1833, 32 इयर्स ये चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये केस समझने वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसीलिए आप लोगों की अटेंशन चाहिए 5 मिनट, क्योंकि इसमें ना चार नाम आएंगे लोगों के, वो चार नाम आपने जहन में रखने हैं, आपको केस समझ जाएगा। अगर दुनिया का की पावर अलहदा है और एग्जीक्यूटिव की है, तो उन मुल्कों के अंदर से एक मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है जो क्लेम कर सकता है कि हमारे मुल्क में सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 3 आर्टिकल्स पढ़ें, तो आपको बता देते हैं कि जनाब एग्जीक्यूटिव की क्या पावर है, जुडिशरी की क्या पावर है, लेजिस्लेचर की क्या पावर है। क्लियर हो गया जी। तो सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करती है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव का फैसला फाइनल है, एग्जीक्यूटिव का फैसला फाइनल है, एग्जीक्यूटिव के फैसले को तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी प्रेसिडेंट का फैसला फाइनल। अब इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए, जहन में रखिए और अब इस केस पर आ जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेकेंड प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था जॉन एडम्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेकेंड प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने ना अपनी प्रेसिडेंसी के आखिरी दिन, अपनी प्रेसिडेंसी के आखिरी दिन कुछ ऑर्डर्स पास किए। उन ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर था, उन्होंने ये मरबरी बाई को एक जगह पर जज लगाया था। जॉन एडम्स ने एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लास्ट डे ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने कुछ ऑर्डर्स पास किए, और उन ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर था, उन्होंने मरबरी को जज लगाया था। उन ऑर्डर्स को वैसे मिड नाइट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी कहते हैं, मिड नाइट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये यूएस हिस्ट्री वाले पढ़ेंगे, आपका अगर आपने रखनी है वैसे लिखना लिखिए, मिडनाइट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी कहते हैं उन ऑर्डर्स को। तो उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने मरबरी को जज लगा दिया एक जगह के ऊपर। जॉन एडम्स, इनका टेन्योर खत्म हो गया एज अ सेकंड प्रेसिडेंट। लो जी, जॉन एडम्स चले गए, मरबरी को अपॉइंट कर गए एक जगह पे जज, ठीक हो गए। इनकी जगह, जॉन एडम्स की जगह थर्ड प्रेसिडेंट आ गए यूएस हिस्ट्री के, उनका नाम था थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन, अब थॉमस जेफरसन आ गए इनकी जगह पर, जॉन एडम्स की जगह पर। अब थॉमस जेफरसन की अपनी कैबिनेट भी थी, थॉमस जेफरसन के अपने वजीर भी थे। तो वहां पर यूके में और यूएस में आपको पता है कि वजीरों को मिनिस्टर नहीं कहते, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हम मिनिस्टर कहते हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं।
तो थॉमस जेफरसन की कैबिनेट में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनका नाम था जेम्स मेडिसन। ये जेम्स मेडिसन जो बाद में यूएस के प्रेसिडेंट भी बने थे, जेम्स मेडिसन उस टाइम थॉमस जेफरसन की एज अ प्रेसिडेंट उनकी कैबिनेट में भी शामिल थे। क्लियर हो गए? तो हुआ क्या कि जेम्स मेडिसन ने जॉन एडम्स के पास किए हुए कुछ ऑर्डर्स को डिसमिस कर दिया। यानी जेम्स मेडिसन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जॉन एडम्स के कुछ ऑर्डर्स जो उन्होंने पास किए थे मिडनाइट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उसमें से कुछ ऑर्डर्स को उन्होंने फारिग कर दिया। उनमें से एक ऑर्डर वो भी फारिग हो गया जिसमें उन्होंने मरबरी को जज लगाया था जॉन एडम्स। उन्होंने कहा कि जी प्री रेक्विजिट्स जो है ना जज होने के, वो ये मरबरी भाई अपना प्री रेक्विजिट्स पूरे नहीं करते, तो जब तक प्री रेक्विजिट्स पूरे नहीं करेंगे उनको हम जज लगा नहीं सकते। ठीक हो गया जी, लो जी वो ऑर्डर डिसमिस हो गया जॉन एडम्स का। मरबरी भाईजान सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने केस फाइल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह कहा कि सर जी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई चीज नहीं होती डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, और हम एक कॉन्स्टिट्यूशन वाले मुल्क हैं, हमारा मुल्क दुनिया में मशहूर है, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है हमारे मुल्क के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती। फिर भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एग्जेक्टिव का ऑर्डर फाइनल है, तो मैं भाई प्री रेक्विजिट पूरे करता हूं या ना करता हूं? जेम्स मेडिसन के पास ये पावर नहीं थी कि वो अपने जॉन एडम्स के ऑर्डर्स को डिसमिस करे। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जब मुझे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया है एज अ जज, तो मेरी अपॉइंटमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट को चैलेंज करोगे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए को चैलेंज कर रहे होगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए कहता है एग्जेक्टिव का ऑर्डर फाइनल है। इस केस के ऊपर फिर जॉन मार्शल ने मरबरी की बात मान ली, उन्होंने कहा जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने फिर जेम्स मेडिसन ने जो ऑर्डर जारी किए थे उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया, वो डिसमिस हो गए। और उस डिसमिसल के ऊपर फिर जॉन मार्शल ने डिसीजन जो दिया उसकी दो लाइनें लिख लीजिए। देखें जी जरा जॉन मार्शल के डिसीजन की दो लाइनें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इफ अ लॉ रिटन बाय द लेजिस्लेचर, इफ अ लॉ रिटन बाय द लेजिस्लेचर conflicts with the constitution, if a law written by the legislature conflicts with the constitution, comma, the law is null and void. The law is null and void. Full stop. आगे लिखते हैं only laws which shall be made in pursuance of the constitution, pursuance kehte hain in accordance with the constitution, only laws which shall be made in pursuance of the constitution are to be the supreme laws of the land, pursuance of the constitution are to be the supreme laws of the land. First stop. Chief Justice John Marshall, इन्होंने reject कर दिया James Madison का जो order था। अब argument ये समझिए कि देखें पहला जो हमने जी who said that John Marshall ने कहा प्रखंडा, अभी तो हमने आपको बताया कि John Marshall ने ये दिया है decision दिया है, और किसने देना decision? तो ये argument आपको मैंने पहले दिया कि जो Dr. Bonham केस था वो वैसे ही हिस्ट्री का पहला केस था कि जिसके अंदर जो है वो इस्तेमाल हुआ था जो है वो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। और ये जो आपके पास केस है मरबरी वर्सेस मेडिसन, इस केस की सिग्निफिकेंस ये है कि ये दुनिया की हिस्ट्री का पहला केस है कि जिसके अंदर किसी स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू लिया हो। ये पहला केस है कि किसी स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू लिया था। यानी वो केस मरबरी वर्सेस मेडिसन वाला, सॉरी जो डॉक्टर बोनम वाला जो केस है, रिव्यू लिया था। दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अ स्टेट टुक द नोटिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये हमारे पास दो केस हो गए जी। क्लियर हो गया मरबरी वर्सेस मेडिसन केस, दो केस क्लियर हो गए।
ये केस क्लियर हो गया जी? जी दाऊद को क्वेश्चन, अच्छा मौसम भाई यहाँ पे ना थोड़ा हिस्टोरिकली मैंने ये केस ना रेड किया हुआ है, वो मेरे पास ये था मेरे नॉलेज के मुताबिक कि जी जब न्यू गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने ये किया था कि वो जो लास्ट प्रेसिडेंट की जो था ना उसका ऑर्डर वो उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया था, मतलब उस ऑर्डर को कुछ जजेस को अपॉइंट कर दिया था उस ऑर्डर के तहत, जो कि 54 के करीब वो अपॉइंट करके गए थे, ठीक है, कुछ जजेस को उन्होंने अपॉइंट नहीं किया था, पर वो ये कहते थे कि जी अगर हम अपॉइंट कर देते हैं पिछले जजेस में तो हमारे पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आएंगे, क्योंकि वो जजेस तो वो फिर जॉन एडम्स के साथ वो काम में वो फिर जो पॉलिटिकल एक नैरेटिव चला था उस केस का एक तो ये था, तो वो एक्चुअली डिसमिस नहीं किया था, मतलब मेरे ख्याल में वो ऑर्डर जो प्रीवियस का वो होल्ड कर लिया था और वो उसको इश्यू नहीं कर रहे थे उसकी पावर को, मतलब एलोकेशन नहीं कर रहे थे, ऑर्डर हो गया हुआ था उसका जजेस का, फिर वो गए थे कि जी मेरा ऑर्डर करें इसको के जी मेरी इश्यू करें के मुझे। बात ये है सिंपल, मैंने आपको ये आर्गुमेंट दिया स्टार्ट के अंदर कि जनाब मिडनाइट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में से कुछ ऑर्डर्स जो थे उनको हमने रहने दिया, उसको डिसमिस कर दिया, और कुछ को हमने अपॉइंट कर दिया, मतलब हमने सारे ऑर्डर्स डिसमिस नहीं किए जॉन एडम्स, जॉन एडम्स के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो इंप्लीमेंट नहीं हुए, उसमें से कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे जिनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उनको डिसमिस कर दिया, जिसकी बेसिस के ऊपर फिर जनाब आपके पास ये गया था क्या नाम इसका मरवरी, ये अदालत में गया और उसने जाके कहा कि जी जो जेम्स मेडिसन ने मेरे जो ऑर्डर्स हैं उनको डिसमिस किया हुआ है, इन ऑर्डर्स को जो रीइंस्टेट किया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और जो कहता है कि जनाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है और उसमें एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स को चेंज नहीं किया जा सकता, उसके अंदर तमाम अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कैंसिल नहीं हुई थी, कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसी थी जो इंप्लीमेंट भी हो गई थी, यही तो हमने कहा कि तमाम ऑर्डर डिसमिस नहीं हुए थे, कुछ ऑर्डर्स हो गए थे जिसमें मरबरी का केस भी चला गया, तो दैट इज वाई उन्होंने फिर ये किया था कि वो जो जेम्स मेडिसन ने जो ऑर्डर दिया था कि जिसके अंदर उन्होंने उसको अपॉइंटमेंट नहीं किया था, उसको उन्होंने कहा था कि जी प्रीरिक्विजिट्स ये फुलफिल नहीं करता और एडमिनिस्ट्रेटिव मसले आ जाएंगे आपके, वो जो है वो अल्टीमेटली फिर उन्होंने ऑर्डर जारी किया था कि जनाब इसको किया जाए, इसको रीइंस्टेट किया जाए, या इसको आप समझ लीजिए कि इंप्लीमेंट किया जाए सारे के सारे डिसीजन को, ये चीज जो है फिर आ गई थी सिस्टम के अंदर एट द एंड ऑफ द डे। खैर बात यह है कि उतनी डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा उसके बाद सिचुएशन क्या एग्जिस्ट कर रही थी वो सारी की सारी चीजें, हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाना है जुडिशियल रिव्यू का कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जुडिशियल रिव्यू लिया, जुडिशियल रिव्यू उस चीज पर बन ही नहीं सकता जिसमें कोई ऑर्डर ना आया हो और वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, अगर आपने एक ऑर्डर को इंप्लीमेंट ही नहीं किया तो फिर वो आपका कॉन्ट्राडिक्शन तो आई नहीं सुप्रीम आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जब आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया और आपने उसको डिसमिस कर दिया, दैट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ना, दैट क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन आई ही तब है कि जब उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया और उसको जनाब उन्होंने अपॉइंट ही नहीं किया एट द एंड ऑफ द डे, इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट आया जिसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को डिसमिस कर दिया जेम्स मेडिसन के, भाई अगर जेम्स मेडिसन का ऑर्डर डिसमिस हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि जेम्स मेडिसन ने ऑर्डर दिया होगा तो डिसमिस हुआ ना, अगर जेम्स मेडिसन का ऑर्डर डिसमिस ही नहीं हुआ तो ऑर्डर तो था ही कोई नहीं उसका, उसे तो होल्ड का किया था, तो उस बेसिस के ऊपर राइट उस बेसिस के ऊपर तो फिर तो बनता ही नहीं ना उसका डिसमिसल ऑफ द ऑर्डर, वो डिटेल एक और केस है, वो केस में आप लीगल केसेस में चले जाएंगे, आप सिर्फ जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़िए, जब आप इसको पढ़ेंगे ना उसमें यूएस हिस्ट्री में तो फिर आप मजीद डिटेल में भी जा सकते हैं, अभी सिर्फ इसको इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझिए। अब हम चलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और उसके बाद फिर हम इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लेकर आएंगे जुडिशियल एक्टिविज्म कॉन्टेक्स्ट को, अब जरा गौर से सुनिएगा दोनों में फर्क कहां पर आता है। हमने अभी एक बात डिस्कस की कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई चीज नहीं होती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होता है, आपका मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसका मतलब वो भी सबसे ज्यादा सुप्रीम है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा उसको आप एब्रोगेशन करेगा, उसको आप कैपिटल पनिशमेंट भी दोगे। आपके मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 8-28 ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स, ये वो आर्टिकल्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपका मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट भी हो जाए, आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म भी हो जाए, वो डिसमिस भी हो जाए, तो ये आर्टिकल्स मौजूद रहेंगे,
ये आर्टिकल्स कहीं नहीं जाते, ये आर्टिकल्स एग्जिस्ट करते रहेंगे। इनकी प्रोटेक्शन, इनकी इंप्लीमेंटेशन स्टेट का काम है। स्टेट इनको, इसको प्रोटेक्ट भी करती है इन आर्टिकल्स को और इंप्लीमेंट भी करती है इन आर्टिकल्स को। और अगर स्टेट इन आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट ना करे तो फिर कोई और तो होगा ना जिसने इसको इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं, इंडिविजुअल्स के राइट्स प्रोटेक्ट करना स्टेट का काम है। स्टेट अपने राइट, आप इंडिविजुअल्स के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर रही तो फिर कोई तो करेगा स्टेट इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट। क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ लीजिए 8 to 28 वाला, कि आपके मुल्क के फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं नंबर 8 to 28। क्लियर, अब गौर से सुनो, अब इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिए, ज़हन में रखिएगा, और आप आइए चलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के पॉइंट के ऊपर। पहले मैं सादी जुबान में समझाता हूं जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, फिर मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। जुडिशियल एक्टिविज्म को समझिए, अगर आपके मुल्क की अदालत सुप्रीम कोर्ट, अगर आपके मुल्क की हाईएस्ट अदालत सुप्रीम कोर्ट, अगर वो एक्स्ट्रा किस्म की जो है एक्टिव हो जाए, एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाए, और वो काम भी करना शुरू कर दे जो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आते, तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। फिर सुनिए, अगर आपके मुल्क की सुप्रीम कोर्ट वो काम भी करना शुरू कर दे एक्स्ट्रा एक्टिव होकर जो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आते, तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। राइट, जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब एक्स्ट्रा पावर इस्तेमाल करना वो शुरू कर दे। आम फहम जुबान में पाकिस्तान में इसको सो मोटो एक्शन कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं उसको, इसको डिटेल में समझाता हूं। उसको सो मोटो एक्शन कहते हैं, मतलब वो काम भी आप करना शुरू कर दो जो आपकी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आते, उसको सो मोटो एक्शन जो है वो उसको उसको बेसिकली जो है वो कहते हैं। अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि वो काम भी करना शुरू कर दे। अब अल्टीमेटली काम देखिए, गौर कीजिए, आपकी पार्लियामेंट, आपके मुल्क, आपकी गवर्नमेंट का काम है इन आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट करना। अगर आपके मुल्क की गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव इन आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट ना कर पाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन होकर लोगों को ये राइट्स प्रोवाइड करे, जो असल काम तो गवर्नमेंट का था, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये काम करे, उनको राइट्स प्रोवाइड करे, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी ऐसी चीज में कोई ऑर्डर इशू कर सकती है जो कि फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड हो, यानी एनीथिंग पर्टेनिंग टू द फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसमें वो ऑर्डर कर सकती है। क्लियर है, इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर पाकिस्तान में हम जुडिशियल एक्टिविज्म पे बात करेंगे, उसको हम देखते हैं। लिखें डेफिनेशन, लिखिए जुडिशियल एक्टिविज्म, लिखें, देखें जी, इफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट fails to take action on any emerging issue, if the government of a state fails to take action on any emerging issue, then the judiciary gets active to protect the interests of public, then the judiciary gets active to protect the interests of public that are provided to them under the fundamental rights that are provided to them under the fundamental rights of the constitution of that state, that are provided to them under the fundamental rights of the constitution of that state. This is called judicial activism. Under the fundamental rights of the constitution of that state. This is called judicial activism. फिर सुन लीजिए, if the government of a state fails to take action on any emerging issue, then the judiciary gets active to protect the interests of public that are provided to them under the fundamental rights of the constitution of that state. That are provided to them under the फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट स्टेट, इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। यानी एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाए, वो काम भी करना शुरू कर दे जो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आते। अब हम बात कर रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान की, वो जरा समझ लीजिए कैसे होता है जुडिशियल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान, फिर हम केसेस पर जाएंगे।
तीन आर्टिकल्स आपने याद रखने हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के, एक आर्टिकल 184(3), दूसरा 190, तीसरा 199। तीन आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, तीन आर्टिकल्स 184 पैराग्राफ 3, 190, 190, 199, तीन आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 184(3) को समझ लीजिए पहले। ये वो 184(3) ये वो आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर जारी कर सकती है अगर उसको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट जो हैं वो एट स्टेक, इफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट जो हैं वो एट स्टेक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है। इस ऑर्डर को कहते हैं सो मोटो ऑर्डर, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। यानी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा आर्टिकल है जो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो ऑर्डर जारी कर दे, कोई भी ऑर्डर अगर उसको लगता है कि वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल को डील करेगा, वो ऑर्डर है आपके पास, वो पावर है अंडर आर्टिकल 184 पैराग्राफ 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। क्लियर है जी? लिख लीजिए इसको ताकि आपके लिए आसान हो, आपके लिए आपको समझना मुश्किल ना हो। लिखे जरा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, according to article 184(3) of the constitution of pakistan, judicial activism is exercised by the supreme court, judicial activism is exercised by the supreme court, full stop. this article empowers the supreme court to make an order, empowers the supreme court to make an order if it considers that a question of public importance, that a question of public importance with regard to enforcement, public importance with regard to enforcement of any, with regard to enforcement of any fundamental right, right, is involved. ये आपके पास exist करता है इस article को, क्या कहते हैं, article 184 paragraph 3 of the constitution of Pakistan. इसको so moto action भी कहते हैं। अब लिखिए आखिर में इस line के end में लिख लीजिए, and this order is called so moto order. ठीक हो गया? अब आते हैं article 190 पे, दूसरी पावर देख लीजिए। आर्टिकल 190 का मतलब है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि तमाम जुडिशियल इदारे और एग्जीक्यूटिव इदारे सुप्रीम कोर्ट के मातहत हैं, सुप्रीम कोर्ट की एड के लिए मौजूद है, मातहत नहीं है, एड के लिए मौजूद है, यानी सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए, सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई मदद चाहिए तो ऑल द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स एंड अथॉरिटीज should be present for the aid of Supreme Court. यानी Supreme Court की मदद के लिए, Supreme Court की aid के लिए तमाम executive और judicial जो organs हैं, जो institutions हैं और जो organizations हैं वो मौजूद रहेंगी। लिख लीजिए इस point को भी, article 190 को भी लिखें। According to article 190, all executive and judicial, all executive and judicial authorities, all executive and judicial authorities shall act in aid
सवाल आपके कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इसमें हाई कोर्ट भी कुछ कर सकती है? भाईजान, हाई कोर्ट भी इस पे एक्शन ले सकती है, लेकिन मसला यह है कि हाई कोर्ट सो मोटो एक्शन नहीं ले सकती जितना 1843 में सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। हाई कोर्ट आपको ऑर्डर जारी कर सकती है तब जब आपने खुद कोई रिट फाइल की हो, तब आपने खुद को केस फाइल किया हो। यानी अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे, आप अदालत में जाओ, हाई कोर्ट में जाके केस फाइल करो कि सर मेरे फंडामेंटल राइट्स, ये राइट्स हैं मेरे प्रोटेक्ट नहीं हो रहे, ये लिखे हुए आर्टिकल 8228 में, उस पर हाई कोर्ट कोई ऑर्डर जारी करेगी, वो कर सकती है ऑर्डर जारी उसको, राइट। लेकिन वो बेसिकली आपके जो है वो आर्टिकल जो है वो 1843 के हिसाब से, 1843 के हिसाब से कोई सो मोटो एक्शन नहीं ले सकते। They cannot take so much action because of Article 184, paragraph 3 of the Constitution of Pakistan. So 184.3 के हिसाब से वो so much action नहीं ले सकते, लेकिन according to 199 वो order जारी कर सकते हैं। Clear हो गया? तो आप ये लिख लीजिएगा कि High Court can issue order pertaining to the fundamental rights of the people in accordance with Article 199. In accordance with the Article 199 of the Constitution of Pakistan, Article 199 के सबसे, अब देख लें गौर से सुन लें, Supreme Court so moto action लेकर भी fundamental rights को protect कर सकती है, लेकिन High Court भी fundamental rights को protect करती है, लेकिन उसके लिए उस तक case file करना जरूरी है। आप case file करोगे तो ही High Court कोई action लेगी, कोई order जारी करेगी, right? ये पांच किस्म की ना रिट्स होती हैं। रिट कहते हैं कोई आपने फाइल किया है, कोई केस फाइल किया, रिट पिटीशन कहते हैं, रिट पिटीशन। पांच किस्म की रिट्स होती हैं। वैसे आप लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए। पांच किस्म की रिट्स होती हैं, यानी आप पांच किस्म के केस फाइल कर सकते हो। एक होती है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, एच ए एच ए बी ई ए एस, यू नहीं है, हेबियस कॉर्पस, इसका नाम है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, यानी जो केस फाइल करते हैं, पहला केस है उसमें रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अगर आपको किसी ने इलीगल डिटेन किया हुआ है, आपको इलीगल अरेस्ट किया हुआ है और आपको आपके राइट्स नहीं मिल रहे, आपको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, तो आपका कोई रिश्तेदार अदालत में जाके केस फाइल कर सकता है। वो आपको ऑर्डर करते हैं कि जनाब उस बंदे को लेकर आओ, उस बंदे को प्रेजेंट करो अदालत के अंदर, बंदे को लेकर आओ, हेबियस कॉर्पस। फॉर एग्जांपल, आप वो देखा होगा ना आपने के मिसिंग पर्सन केस, मिसिंग पर्सन हो जाते हैं तो अदालत ऑर्डर करती है कि चलो बंदा प्रोड्यूस करो, कहीं से लेकर आओ, हेबियस कॉर्पस। तो वैसे तो इसका लफ्जी मतलब है हेबियस कॉर्पस का, लेट्स हैव द बॉडी, लेट्स हैव द बॉडी, लेकिन लीगल टर्म्स में से कहते हैं लेट्स हैव द पर्सन, कि बंदे को लेकर आओ। अगर आप मिसिंग पर्सन या इस तरह का मसला हो गया, आपको किसी ने इलीगल डिटेन किया हुआ, अरेस्ट किया हुआ है बगैर किसी वजह के, आपको अरेस्ट किया हुआ है, तो आप हेबियस कॉर्पस का केस फाइल करते हो, तो उस पर वो ऑर्डर हाई कोर्ट ऑर्डर कर देती है। ठीक हो गया जी। दूसरा आपके पास होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। आपने आम फहम जुबान में ये सुना होगा कि भाईजान वो स्टे और स्टे हुआ है, स्टे ऑर्डर आया हुआ है, स्टे ऑर्डर, वो होता है प्रोहिबिशन। स्टे ऑर्डर यानी कि आपकी कोर्ट ऑर्डर जारी कर देती है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आएगा, आप इस काम के अंदर को आगे कुछ नहीं कर सकते। स्टे ऑर्डर हो जाता है कि भाईजान आप आगे कुछ नहीं कर सकते, स्टे ऑर्डर, उसे कहते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक हो गया जी। तीसरा होता है रिट ऑफ कोवरेंटो, रिट ऑफ कोवरेंटो, कोवरेंटो। अगर किसी बंदे ने आपको कोई इलीगल जो है वो डिसमिस कर दिया है, आपके साथ ज्यादती की है, तो आप उसके खिलाफ जब केस फाइल करते हो तो उसको रिट ऑफ कोवरेंटो कहते हैं। कोवरेंटो का मतलब होता है अंडर व्हाट वारंट, अंडर व्हाट अथॉरिटी। कोवरेंटो का मतलब लफ्जी मतलब होता है अंडर व्हाट वारंट, अंडर व्हाट अथॉरिटी, मतलब आपने अंडर व्हाट अथॉरिटी ये काम किया। यानी आप केस फाइल करोगे, हाईकोर्ट से बुला लेगा, उनको हाँ भी अंडर व्हाट अथॉरिटी यू हैव डन दिस, कौन सी अथॉरिटी आपके पास ये काम करने की, अंडर व्हाट अथॉरिटी, कहते हैं अंडर व्हाट वारंट, कोवरेंटो, राइट।
गवर्नमेंट ऑफिशियल जी, गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है को वरेंटो, आपको कोई इलीगल कर देना आपके साथ इतना तो आपको आ जाता है को वरेंटो, अंडर व्हाट अथॉरिटी या अंडर व्हाट वारंट। चौथा होता है रिट ऑफ, आपके पास सर्टियोरे राय, सर्टियोरे राय, इसको सर्टियोरेरी भी कुछ पढ़ते हैं, सर्टियोरे राय भी पढ़ते हैं, बड़ा कुछ इसका नाम जो है वो करते हैं जी, सिरोराय टी आता है इसके अंदर, सर्टियोरे राय आता है, टी भी आता है इसके अंदर, वो कभी कभार टी साइलेंट हो जाता है, वो नाम आपका चेंज हो जाता है, वो सर्टियोरे राय उसको बेसिकली वो कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ऑर्डर तब आता है कि जब आपकी जो हायर कोर्ट होती है, हायर कोर्ट वो किसी नीचे वाली कोर्ट को कहती है कि भाईजान केस ऊपर भेजो, हमारे पास केस भेजो, ट्रांसफर कर दो केस, तो वो आपके पास आ जाता है, केस ट्रांसफर हो जाता है, सर्टियोरे राय आपके पास आ जाता है। एक आपके पास आता है जी रिट ऑफ मैंडमस, आखिरी होती है रिट ऑफ मैंडमस, MANDMUS, मैंडमस, इसका मतलब होता है कि आप ऑर्डर जारी करते हो किसी को, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ऑर्डर जारी करते हो कि ये करो, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को, किसी बंदे को आप ऑर्डर जारी करते हो कि ये करो, ये मेरी तरफ से तुम्हें ऑर्डर है, उसको आप रिट ऑफ मैंडमस कहते हो। तो ये आपके पास चार पांच किस्म की रिट्स होती हैं जिनको आप एग्जिस्ट कर मानते हो, इंप्लीमेंट भी करते हो सिस्टम के अंदर, तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। बस फर्क समझ लीजिए, जहन में रख लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर जारी करेगी तो वो खुद भी ऑर्डर जारी कर सकती है, वहां पर केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप केस फाइल भी कर सकते हो, ये नहीं कि हर दफे केस फाइल नहीं कर सकते, केस फाइल भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद ये पावर भी है कि वो खुद भी ऑर्डर जारी कर सकती है, उसको कहते हैं सो मोटो एक्शन, आर्टिकल 1843। लेकिन अगर आपने हाई कोर्ट से कोई रिलीफ लेना है तो उसके लिए आपको केस फाइल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है फाइल करना पड़ेगा, एक जो है वो रिट फाइल करनी पड़ेगी, जिसकी बेसिस के ऊपर फिर वो आपको मिलता है जो है वो क्या कहते हैं उसको, रिलीफ जो है वो मिलता है। तो ये दो फर्क है आपके पास, क्लियर है जी, ये हमारे पास चीजें आपके वक्त की, ठीक है जी। रिट ऑफ क्या जी, सर्टियोरे राय आपने लोअर अथॉरिटी से ऊपर अथॉरिटी की तरफ भेजना होता है, ठीक है जी। हाँ जी, वो आपके पास जब ऑर्डर करती है, मैंडमस कोई ऑर्डर करती तुम ये करो, राइट, किसी ऑफिशियल को ऑर्डर देती है, किसी ऑर्गन को ऑर्डर देती है आपकी कोर्ट जो है, वो फिर मैंडमस के अंदर आ जाता है, क्लियर हो गया। जब आपने किसी हायर अथॉरिटी की तरफ भेजना होता है तो फिर आपके पास दूसरा ऑर्डर सर्टियोरे राय आपके पास आ जाता है, क्लियर हो गया जी। ये हमारे पास कुछ चीजें थी जिनको हमने अंडरस्टैंड करने की जरूरत थी, क्लियर है जी। आज इसको इधर ही रोक देते हैं, इस लेक्चर को इधर ही कंप्लीट करते हैं। कल के लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे बेसिकली जो है मौलवी तमीजुद्दीन खान केस से, और उसको हम देखेंगे जो है वो आसमा जिलानी केस भी, और हम देखेंगे साथ साथ जो है वो 200 केस की, इसको अंडरस्टैंड जो है बेसिकली करते हैं, और ये देखेंगे हम इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर। 199 जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, 199 जो है वो डील करता है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट को। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई रिलीफ लेना है फ्रॉम द हाई कोर्ट, तो उसको आपको मैंने कहा कि रिट फाइल करते हो आप उसमें कोई एप्लीकेशन देती हो, तो वो कौन सा जो है वो क्लॉज है जिसके तहत आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हो, 199, राइट, वो 199 के तहत आप उसके अंदर रिट फाइल करते हो, ये 199 जो आपके पास जो बात है, क्लियर हो गया जी। इसको आज इधर ही रैप अप करते हैं, इंशाल्लाह जी मुलाकात करेंगे कल, कल की क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात करते हैं और इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ जी, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आपको कामयाब करे सब, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।